हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक था, कल हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर दिया था और इसकी थ्योरी ज़रूर कर लेना आप। मैंने आपको साथ के साथ बता दिया था कि कैसे करनी है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको गॉस लॉ बताया था कि गॉस लॉ या गॉस का नियम क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास होता है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी थी। इसके अलावा मैं इस फ्लक्स को चेंज भी कर चुकी थी E.ds की फॉर्म में, तो इसी रूल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे समेशन क्यू का मतलब टोटल चार्ज से था, ε0 परमिटिविटी थी वैक्यूम की, और इसको अगर मीडियम के लिए बताएंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यानी कि गॉस लॉ कम्प्लीटली तभी समझ में आएगा कि गॉस लॉ तो ठीक है, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, हम इसे प्रूव भी करेंगे खैर आगे, पर फिर भी इसकी क्या क्या खास बातें हैं, गॉस नियम को लगाने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी नई बातें ये बताता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको फैक्ट्स अबाउट गॉस लॉ, ठीक है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है गॉस लॉ का, कि जो समेशन क्यू है, ये जो मैंने कल ही बता दिया था, हालांकि समेशन क्यू इज द एलजेब्रिक सम। कौन सा सम है? एलजेब्रिक मतलब नॉर्मल सम जो मैथमेटिक्स में करते हैं, एलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड इन द सरफेस। कौन सी सरफेस? जिसके लिए हम फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सरफेस में जितना भी टोटल चार्ज है उसका क्या है, ये एलजेब्रिक सम, ठीक है। नंबर दो ये है कि हालांकि ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी फ्लक्स जो है वो किसी भी सरफेस से बाहर निकल रहा होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और एंटर करने वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो आप क्या कहेंगे, टोटल फ्लक्स, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, नेट फ्लक्स। टोटल फ्लक्स से मतलब इसका सम ऑफ फ्लक्स नहीं है एक्चुअली, टोटल फ्लक्स से मतलब है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, एंड एंटरिंग फ्लक्स। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स जो है वो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा जो कि सरफेस को लीव कर रहा है और एंटरिंग द सरफेस, आप ऐसे लिख लो एंटरिंग द सरफेस। इसके लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, नेगेटिव साइन। समझ में आ गई बात आपको, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज करो ये आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, कुछ ऐसी फील्ड लाइंस है जो इसमें एंटर कर रही हैं, ठीक है, और कुछ फील्ड लाइंस इसमें क्या कर रही हैं, सॉरी ये तो सारी एंटर करने लग गई, ये कुछ बाहर निकल रही हैं। बात समझ में आ गई, इनके एरो बाहर की तरफ है। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि ये वाला फ्लक्स अंदर जा रहा है और ये वाला फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि चार फील्ड लाइंस तो अंदर जा रही हैं और तीन फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो फ्लक्स कितना होगा, मतलब हालांकि फ्लक्स ऐसे निकालेंगे नहीं लेकिन नेट फील्ड लाइंस कितनी बचेगी, चार तो अंदर जाने वाली, तीन बाहर आने वाली, तो नेट कितनी बची, चार माइनस तीन ही तो बची, मतलब एक फील्ड लाइन होगी। इसी तरीके से फ्लक्स है, इसी तरीके से फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा, अंदर जाने वाला फ्लक्स और बाहर निकलने वाले फ्लक्स का एलजेब्रिक सम विद साइन, इसलिए इसने ब्रैकेट में साइन लगाए हैं। उसने बताया है कि अंदर जाने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव साइन से शो करेंगे और बाहर जाने वाले फ्लक्स को नेगेटिव साइन से, फिर दोनों का सम करेंगे तो जो फ्लक्स आएगा वो नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स होगा। बात समझ में आ गई आपको, जैसे सपोज करो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, मान लो 5 वेबर
फ्लक्स जो है वो अंदर जा रहा है और 3 वेबर फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो 5 वेबर के साथ तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और 3 वेबर जो बाहर जा रहा है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो कितना बचा नेट 2 वेबर। बात समझ में आ गई? तो ये 2 वेबर क्या होगा, ये 2 वेबर होगा आपका नेट फ्लक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये समझने वाली बात थी। नंबर थर्ड फैक्ट क्या होगा इससे रिलेटेड, थर्ड फैक्ट है कि जिस भी आप सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा रहे हो उससे रिलेटेड हम एक सरफेस मानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गाउसियन सरफेस। और ये गाउसियन सरफेस जो होती है वो एक इमेजिनरी सरफेस होती है, रियल सरफेस नहीं होती, ये केवल यूज की जाती है गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक इमेजिनरी सरफेस। समझ में आ गई बात? तो हम इसको किस तरीके से बताएंगे, लिखेंगे टू अप्लाई गॉस लॉ अ सरफेस इज सेलेक्टेड दैट इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। उसका नाम दिया गया है गाउसियन सरफेस, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर ही उस सरफेस का नाम दिया गया है गाउसियन सरफेस। बात समझ में आ गई? और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और एक बात बता देते हैं, दिस सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ये और ध्यान रखना, ये जो सरफेस मानी जाती है वो क्लोज होनी चाहिए। दिस सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस। समझ में आ गई? और ये कैसे भी हो सकती है, किसी भी स्फेरिकल शेप की हो सकती, किसी भी क्लोज शेप की हो सकती है, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे कोई और अदर क्लोज सरफेस हो। समझ में आ गई? तो आप क्या बताओगे, इट कैन हैव एनी शेप लाइक स्फेरिकल कॉमा सिलेंड्रिकल एटसेट्रा। समझ में आ गई? कैसी भी हो सकती है। और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम गॉस लॉ को फाइंड आउट कर सकें। और गॉस लॉ में किसकी जरूरत पड़ती है, फ्लक्स की। और फ्लक्स कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक सरफेस को सेलेक्ट किया जाता है, वो क्या कहलाती है आपकी, गाउसियन सरफेस। और ये गाउसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, मतलब किसी भी क्लोज शेप की हो सकती है। समझ में आ गई? नंबर चार देखें, फोर्थ रूल ये कहता है, फोर्थ फैक्ट अबाउट गॉस लॉ क्या कहता है, कि जो गॉस लॉ है दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द टोटल चार्ज थ्रू द क्लोज सरफेस। ये इसके अलावा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, केवल जितना भी चार्ज एनक्लोज है केवल उसी पर क्या डिपेंड करता है, गॉस लॉ। ठीक है, तो जो गॉस लॉ से हमने क्या निकाला, फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है वो केवल एनक्लोज चार्ज पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस का एरिया कितना है, शेप क्या है उसकी, है ना, इन सब बातों पर वो डिपेंड नहीं करता। तो आप क्या कहोगे, गॉस लॉ डिपेंड्स ओनली अपॉन द एनक्लोज्ड चार्ज बाय गाउसियन सरफेस। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया शेप ऑफ द सरफेस और द क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस यानी कि जो सरफेस आपने कंसीडर किया है क्लोज, उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता, उसका शेप कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज एनक्लोज बाय दी गाउसियन सरफेस। समझ में आ गई? एक तो केवल चार्ज पर डिपेंड करेगा और दूसरा उसके मीडियम पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई? ठीक है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन दी एनक्लोज चार्ज एंड, और बता दीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज नेचर एंड मीडियम। समझ में आ गई? ये किस पर डिपेंड करता है, चार्ज
नेचर एंड मीडियम पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ तो ये चार्ज पर डिपेंड करता है, एरिया सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ये चार्ज पर डिपेंड करता है, नेचर और मीडियम पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड नहीं करता? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, कि किस जगह पर रखा हुआ है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि किस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के पढ़ लिए, लाइन चार्ज का, सरफेस चार्ज, वो वॉल्यूम चार्ज और सरफेस चार्ज, ये पढ़ लिए आपने। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक लाइन पर किया है, एक सरफेस पर किया है, एक वॉल्यूम पर किया है, बस केवल उससे क्लोज सरफेस से एनक्लोज करने वाले चार्ज पर, उसकी नेचर पर, उसके मीडियम पर डिपेंड करता है। इसके अलावा चार्ज की पोजिशन पर, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर, या फिर गाउसियन सरफेस के एरिया या उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ गई आपको? नंबर फिफ्थ फैक्ट क्या है? फिफ्थ फैक्ट ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, यानी कि कोई एक गाउसियन सरफेस है, और वो किस शेप की है? सिलेंड्रिकल शेप की है। इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज एनक्लोज है और एक माइनस क्यू चार्ज एनक्लोज है। दैट मीन्स कि इसमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से फ्लक्स अंदर की सॉरी बाहर की ओर जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। और जितना इसकी वजह से बाहर जाएगा उतना इसकी वजह से अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही चार्जेस भले ही डायरेक्शन में अपोजिट हो, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा फाइव, वो क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें द फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग द सरफेस। क्योंकि इसमें प्लस क्यू चार्ज है, उससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो बाहर की ओर होंगी, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर की ओर होंगी। तो इसकी वजह से फ्लक्स बाहर की तरफ होगा, इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा। तो मैंने मान लिया कि दो फील्ड लाइन्स बाहर जा रही है, दो अंदर जा रही है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर दो वेबर बाहर जा रहा है, दो वेबर अंदर जा रहा है, तो दो माइनस दो जीरो ही तो होगा। तो इस केस में जब एनक्लोज चार्ज क्या हो? जीरो हो। अगर आप टोटल चार्ज देखो, समेशन ऑफ क्यू यहाँ पे जीरो है। समेशन ऑफ क्यू मतलब एनक्लोज चार्ज कितना, एनक्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है। तो आप क्या कहोगे? प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के जीरो हो गए। तो हमने अभी अभी तो कहा कि जो फ्लक्स है गॉस लॉ से, वो केवल टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो ही होगा। जैसे सपोज करो आपके पास कोई क्लोज वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इस तरीके से कोई क्यूब है, इसके अंदर एक प्लस टू क्यू चार्ज है और एक माइनस टू क्यू चार्ज है, तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ क्यू यहाँ पर क्या होगा? टू क्यू माइनस टू क्यू जीरो, तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। तो फिफ्थ रूल आपके, फिफ्थ फैक्ट इसके बारे में आप कैसे लिखेंगे? इफ द टोटल enclosed charge is zero, then flux passing through the surface, will also be zero. बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों होता है, जीरो क्यों होता है? क्योंकि जब चार्ज जीरो होता है तो जितना फ्लक्स बाहर जाता है उतना ही फ्लक्स अंदर एंटर करता है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। कैसे लिखोगे आप इस बात को? बिकॉज ऑफ इक्वल फ्लक्स लीविंग एंड एंटरिंग दी सरफेस। बात समझ में आ गई? तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा होता है उतना ही बाहर जा रहा होता है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। या फिर आप कह सकते हो कि जब एनक्लोज चार्ज जीरो होगा तो भी फ्लक्स क्या होगा? टोटल जीरो होगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये हो गई आपका फिफ्थ फैक्ट अबाउट द गॉस लॉ। नेक्स्ट देखें आप सिक्स्थ फैक्ट इसका, कि गॉस लॉ इज वैलिड only for those vector field that follows inverse square law।
बात समझ में आ गई? मतलब क्या है, आपने देखा था E बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर, मतलब व्युत्क्रम वर्ग नियम को आप देख रहे हो, ये E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्ग किसका, डिस्टेंस का। समझ में आ गई? तो वो सारे वेक्टर फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, आप इसके ऊपर वेक्टर ही तो लगाते हो, तो ये केवल इसी इस ऐसे ही वेक्टर फील्ड पर अप्लाई होता है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है भाई, तो ये आपके फैक्ट हैं अबाउट, अभी एक दो फैक्ट और रह रहे हैं जिनको मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगी, और कल हम प्रूव करेंगे गॉस लॉ को, यानी कि प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, यानी कि जो हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी कि कूलम लॉ से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।